अभी देखा आपने कि एक सेल्फी के लिए, एक परफेक्ट सेल्फी के लिए हम कितने एफर्ट्स करते हैं। एक फोटो क्लिक की, उसको फिर हम बारीकी से एनालाइज करते हैं और फिर देखते हैं उसमें कि क्या कमी रह गई। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट कमियां नजर आती हैं। कभी हमारे बाल ठीक नहीं होते हैं, कभी लाइट ठीक नहीं होती, तो कभी बैकग्राउंड ठीक नहीं होता। हमें उस एक पर्टिकुलर मोमेंट में एक परफेक्ट पिक्चर हमारा एक गोल बन जाता है। हमें हर हाल में एक परफेक्ट पिक्चर चाहिए होती है और हम उसके लिए कंटिन्यूस क्लिक करने में बिल्कुल भी हमें आलस नहीं आता। बड़े मज़े के साथ हम बार 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 अपनी तस्वीर को क्लिक करते हैं और जब तक हमें हमारी मनचाही परफेक्ट पिक्चर ना मिल जाए तब तक हम उसको फिर अपलोड नहीं करते हैं। अब इस सारे प्रोसेस में मेरे माइंड में एक थॉट आया कि अगर हम इतनी ही मेहनत अपनी लाइफ बुक की फोटो के लिए भी करें तो जिंदगी में और मज़ेदारी आ जाएगी। अभी लाइफ बुक की फोटो क्या है? लाइफ बुक यानी कि हमारी रियल लाइफ। उसके लिए हम जितने भी गोल सेट करते हैं, गोल सेट करना बहुत आसान है, लेकिन उस गोल को अचीव करने के लिए जब हम एफर्ट्स करते हैं तो हम एफर्ट्स से अगर हमें मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता और हमें फिर दोबारा से ट्राई करना होता है तो हम बड़े दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, हमें दोबारा से एफर्ट्स करने में बड़ी मुसीबत आती है और हम हिम्मत हार जाते हैं। अगर हम सेल्फी की तरह ही उस एफर्ट्स को जो हम बार 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 करें, इंजॉय करें और अपना जो एक एफर्ट हमने डाला है और उससे हमें जो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला है उसको हम बारीकी से एनालाइज करें कि क्या कमी रह गई है, नेक्स्ट टाइम के लिए क्या चीज़ हमें सुधारनी है, क्या चीज़ हमें ठीक करनी है, तो बहुत ही जल्दी हमें अपनी लाइफ की भी परफेक्ट पिक्चर मिल जाएगी और हम उसे अपनी लाइफ बुक पर अपलोड कर सकेंगे। दोस्तों, फेसबुक पर तुम्हारे पास चॉइस है कि हम अपनी पिक्चर अपलोड करें या ना करें, बट लाइफ बुक में एक ऐसा फीचर है कि अगर एक टाइम के बाद आप अपनी पिक्चर अपलोड नहीं करते हैं तो आपकी जैसी भी पिक्चर हो, चाहे वो खूबसूरत हो या बदसूरत हो, वो ऑटो अपलोड हो जाएगी और सबके सामने आ जाएगी। अगर आप अपनी लाइफ बुक की पिक्चर को भी फेसबुक की पिक्चर की तरह खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो एफर्ट्स कीजिए, कंटिन्यूस एफर्ट्स कीजिए और जब आप एफर्ट्स कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को भी इंजॉय कीजिए ताकि आपको एफर्ट्स करने में मज़ा आए। So I wish you all the best.